पंजाब सरकार तुहाडे द्वार स्कीम शुरू हो गई है। लुधियाना दे विच होए समागम दे विच आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस स्कीम की शुरुआत की। इस मौके सीएम मान ने कहा कि अज दा दिन इतिहास दे विच लिखा जाएगा क्योंकि हुण लोगों नूं घरां दे विच बैठियां ही 43 सरकारी सेवावां मिलणगियां। 1076 नंबर डायल करन ते ही लोकां दे सरकारी काम हो जाणगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी इस समागम शामिल हुए थे कहा कि सरकार तुहाडे द्वार स्कीम एक क्रांति वाला कदम है। इस दिन लोगों को हुण सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, सारे सरकारी काम घर बैठ के ही हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली यह स्कीम पिछले 5 साल तो चल रही है तो यह स्कीम होने के नाल पंजाब को दूजी आजादी मिली। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने नशे को लेकर पंजाब सरकार से तिखा शब्दी वार किया। शराब पीण के मामले पंजाब नंबर एक सूबा बन गया है दावा किया। पंजाब दे विच साल दे अंदर शराब दीयां 22 करोड़ बोतलों की विक्री हुई है जबकि पंजाब की पूरी आबादी 3 करोड़ है। सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार नूं सवाल पूछा कि इस तरह पंजाब चो नशा खत्म होगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद नूं अपना सियासी वारिस ऐलान दिता है। पार्टी की हुई मीटिंग तो बाद मायावती ने यह ऐलान किया। आकाश आनंद नूं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नूं छड्ड के पूरे देश दे विच पार्टी की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। लंडन के एक बड़े कॉलेज दे विच MBA की डिग्री हासिल कर चुके आकाश आनंद ने हाल ही दे विच राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दे विच हुई विधानसभा चोणां च पार्टी दे वल्लों सरगर्म भूमिका निभाई सी। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नवे मुख्यमंत्री होणगे। उन्होंने नाल दो डिप्टी CM भी होणगे। छत्तीसगढ़ दे विच हुई BJP विधायक दल की बैठक दे विच उन्होंने नाम के उत्ते मोहर लग गई। आदिवासी समाज तो आने वाले विष्णु देव साय 2014 दे विच मोदी सरकार दे विच मंत्री दे अहुदे दे उत्ते भी रह चुके ने। 2020 दे विच छत्तीसगढ़ BJP के प्रधान भी रहे ने। जिक्र खास है कि हाल ही दे विच हुई विधानसभा चोणों दे विच BJP ने 54 सीटा जीत के छत्तीसगढ़ च बहुमत हासिल किया। उधर बंदी सिंघां दे मुद्दे उत्ते श्रोमणी कमेटी नूं किसानां दा समर्थन मिल गया। किसान आगू हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि 20 दिसंबर नूं दिल्ली च सिंघां दी रिहाई दे लई होण वाले प्रदर्शन दे विच वड्डी गिणती च किसान भी शामिल होणगे। लखोवाल ने कहा कि सजावां पूरियां कर चुके बंदी सिंघां दी रिहाई होनी चाहीदी है। काबिले गौर है कि 20 दिसंबर नूं होण वाले इस प्रदर्शन की अगवाई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी करे। सुखदेव गोगा मेडी कतलकांड के दोवें शूटरों नूं पुलिस ने चंडीगढ़ तो गिरफ्तार कर लिया। मुख्य मुलजम रोहित राठौर ते नितिन फौजी सने 3 मुलजमान नूं दिल्ली दी क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस दे नाल मिलके काबू किया। सैक्टर 24 दे एक गैसट हाउस दे विच इह शूटर लुके हुए सन। फर्जी ID ते होटल दे विच उद्यम साथी सने इह मुलजम एक रात दे लई रहण पहुंचे सी ते उत्थे पुलिस ने इहनां नूं काबू कर लिया। फर्जी मुठभेड़ के मामले च बर्खास्त चल रहे IG परमराज सिंह उमरा नंगल के खिलाफ 29 साल पुराने मामले च केस दर्ज हुए है। उमरा नंगल के सने 2 होर पुलिस कर्मचारियों से भी मामला दर्ज किया गया। इन्हां दे विच तत्काली DSP ਅਤੇ ਇੱਕ ASI ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਪੜ SP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਾ ਮਲੋਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਲੜੀ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਸੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਨੋਵਾ ਚਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਪੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਬਾਬਾ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम तो दी गई। मुलजम ने धमकी भरी ईमेल भेजी धरिंदर शास्त्री तो 10 लाख रुपए की रंगदारी मंगी के पैसे ना देने से जान तो मरने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से कार्रवाई करदे मध्य प्रदेश पुलिस ने मुलजम को पटना तो गिरफ्तार कर लिया। उधर इस विचाले बागेश्वर धाम मैनेजमेंट ने मुलजम को माफ करने की सोशल मीडिया से पोस्ट भी पा दी। हुशियारपुर के पिंड पंडोरी रुकमान के कैदी ने पुलिस को चकमा दिता, हथकड़ी खोल के पुलिस की कस्टडी के फरार हो गया। पुलिस की टीम इस कैदी को उसके पिता के अंतिम अरदास शामिल करवाने के लिए लेके आई सी, उस दे पुलिसकर्मी जीजे वालों भरोसा देने तो बाद ही पुलिस ने मुलजम की हथकड़ी खोली सी, पर वह फरार हो गया। लापरवाही बरतन के इल्जाम 3 पुलिस मुलाजमान के खिलाफ केस दर्ज किया। बठिंडा पुलिस ने अपने ही 2 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कोलों 2 AK-47 315 बोर की राइफल बरामद हुई है। इल्जाम है कि इन मुलजमान ने थाने पिया असला बेच दिता से। जिक्र खास है कि दोवें मुलजम अपने 3 साथियों के नाल कुछ समा पहला भुचो मंडी के लुट की नीयत के नाल एक व्यक्ति के घर दाखिल हुए सन, घर के मालक के वलों फायरिंग करने के उत्ते सारे उत्थों भज गए। खन्ना के बेखौफ हुए चोर घर के बाहर खड़ी एक कार को चोरी करके फरार हो गए। कार के मालक को चोरी का उस वेले पता लग गया जब वह सवेरे घर तो बाहर निकले तो घर के बाहर खड़ी किती कार गायब थी। बाइक सवार 2 चोर आए सन, कार को स्टार्ट करके उत्थों ले गए। CCTV घटना कैद होगी, पुलिस जांच कर रही। गुरदासपुर के कादिया पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छड़ी है, हैरोइन के नाल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पहला भी मामले दर्ज ने। दरअसल पुलिस की टीम ने नाका लगाया होया सी, शक पैण के उत्ते एक शख्स को रोकया गया, तलाशी लैण से उसके कोलों यह नशा बरामद होया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके पिछों पुछगिछ के होर भी खुलासे होने की उम्मीद जताई।